दोस्तों आज हम बात करेंगे होंडा सीवी सैनिक की डिस्क वाली मॉडल की कीमत के बारे में। हमने यहाँ पे लिया है सीवी सैनिक की लिमिटेड एडिशन। जैसे कि आप जान रहे हैं, यह पिछले महीने लॉन्च हुई है गाड़ी लिमिटेड एडिशन के साथ। इसमें आपको ग्राफिक्स में ही बदलाव देखने को मिलती है। इस गाड़ी में आपको मिलती है दो मॉडल, पहला है डिस्क CBS लिमिटेड एडिशन, दूसरा आपको मिलता है ड्रम CBS लिमिटेड एडिशन। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों ड्रम CBS की कीमत क्या पड़ती है, लेकिन यह है डिस्क वाली मॉडल। और जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि ये है दोस्तों स्टैंडर्ड वाली मॉडल की इमेज, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जैसे कि आप इस वाले पिक्चर को देख रहे हैं, ये है दोस्तों लिमिटेड एडिशन की पिक्चर। तो केवल आपको ग्राफिक्स में ही बदलाव देखने को मिल रही है, बाद बाकी आपको इंजन की पावर स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ही सेम मिलने वाली है। तो आइए हम जान लेते हैं डिस्क CBS की लिमिटेड एडिशन की आपको कीमत क्या पड़ती है कैश पे और लोन पे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, अगर आप कार और बाइक के बारे में सही न्यूज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए आगे बढ़िए। अगर आप लेते हैं होंडा की सीवी सैनिक लिमिटेड एडिशन डिस्क CBS वाली मॉडल डेली से, इस गाड़ी की आपको पड़ती है वहां पर एक शोरूम प्राइस 63,743 रुपये। RTO अमाउंट प्लस रोड टैक्स आपको मिलाकर देने पड़ते हैं 6,599 रुपये। इंश्योरेंस की आपको पड़ती है 6,154 रुपये। आपको पड़ती इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत 76,496 रुपये। अगर आप करते हैं इस गाड़ी के लिए 22,000 रुपये की डाउन पेमेंट, तो आपको लोन अमाउंट करवाना पड़ेगा 53,000 रुपये का। अगर आप कहते हैं कि आपको 30 महीने तक EMI पे करनी है, रेट रहेगी 12.5%, तो आपकी हर महीने के दोस्तों इंस्टॉलमेंट निकल के रहेगी 2,087 रुपये। तो आपको बता दें कि 22,000 रुपये डाउन पेमेंट करने के बाद और पूरी EMI भरने के बाद आपको इस गाड़ी की कीमत पड़ जाएगी 85,000 रुपये, और कैश पे आपको पड़ती थी 76,000 रुपये की। जैसा कि आप यहाँ पे कीमत में अंतर देख रहे हैं ऑन रोड प्राइस और पूरी कॉस्ट के बारे में, तो आपको बता दोस्तों कीमत जो बढ़ती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण, ये जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी आपकी कीमत बढ़ेगी। और साथ ही एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जितने भी शोरूम वाले होते हैं, अगर वहाँ पर अपनी गाड़ी को फाइनेंस करवाने के लिए जाते हैं, तो पहले ही वहाँ से फाइनेंस कंपनी के लोग बैठे रहते हैं। वो जो लोग होते हैं दोस्तों प्राइवेट ही होते हैं, उनका शोरूम वालों के साथ टाई अप रहता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट ली जा रही है, तो आप दूसरे शोरूम में भी जाकर आप पता कर सकते हैं कि यार इस गाड़ी की EMI क्या पड़ रही है। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया कि शोरूम वाले जो है अपना कमीशन उसी में रखते हैं, तो आपको पता नहीं चल पाता। लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं दोस्तों, आप दूसरे शोरूम में पता कर लीजिए कि वहाँ पर EMI कितनी पड़ रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि हर शोरूम में आपको अलग अलग फाइनेंस कंपनी के लोग दिखते हैं। क्योंकि आज के समय में छोटी मोटी कंपनियाँ बहुत ही हो गई है फाइनेंस करने वाली। मैं आपको दोस्तों इतना ही बताना चाहूँगा, अगर आपको कुछ पैसे बचाने हैं तो सबसे पहले आप 2-3 शोरूम में जाकर गाड़ी की पूरी EMI और उसकी कीमत के बारे में जान लीजिए कि वो शोरूम वाले कितना ले रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड करता है फाइनेंस कंपनी के ऊपर। और आपको बता दें कि हर शोरूम में अलग अलग ही आपको मिलेगी फाइनेंस कंपनी, अगर आप थोड़ी दूर के लोकेशन में जाते हैं। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी, कैसी लगी है कमेंट में लिखकर और लाइक करके बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप रहते हैं दिल्ली के अलावा किसी और लोकेशन में, आपको इस नए वाले मॉडल लिमिटेड एडिशन की कीमत चाहिए, कमेंट में लिखकर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको मैं रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि दोस्तों कमेंट बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और आपको बता दें कि हर शोरूम में अलग अलग ऑफर देखने को मिलती है, तो कभी कभी आपको कीमत में बदलाव देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ से एक बेसिक आइडिया जरूर ले सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोज हमेशा पाने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विथ अस।